नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। वाराणसी के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की डुबकी लगाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों की आस्था बनी रही, साथ ही लोगों ने दान किया और एक दूसरे को बधाइयां भी दी। कि आज मकर संक्रांति का पर्व है जो कि बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज गंगा के घाटों पर लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं और गंगा माँ की गोद में अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। 21 धर्मशाला समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बलिया सिकंदरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत जलपा माँ के प्रांगण में माँ महारानी दुर्गावती गोड 21 धर्मशाला समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और पदाधिकारी हैं उनको लेकर के हमने बैठक किया और इसमें उनके पद पर हम लोगों ने जो है कि सर्वसम्मत दिलीप जी का चुनाव किए मंत्री पद जी। और ये हमारा जो है कि जो महारानी दुर्गावती धर्मशाला या मंदिर है जलपा जी का, तो कैसे जो है कि विकास हो, इस पर हम लोगों ने जो है कि आपस में चर्चा की कि हर जो है कि मंदिरों का विकास हो रहा है, हम लोगों के विकास के बारे में कोई जो है कि ऐसा सोच नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोगों ने जो है अपने सोच को आगे बढ़ाते हुए कि जलपा जी का मंदिर का विकास हो, हमारे जो है धर्मशाला का विकास हो, इस पर हम लोगों ने जो है कि आपस। झाड़फूंक के बहाने 12 वर्षीय लड़के की बलि देने का इरादा हुआ नाकाम। फैजाबाद के इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शगन चौराहे के निवासी गया प्रसाद के पुत्र को वहीं के निवासी रामनाथ पृथ्वीराज और जितेंद्र के जबरदस्ती अपने घर ले जाकर झाड़फूंक के बहाने शायद 12 वर्षीय पुत्र की बलि देने का इरादा था, लेकिन बालक वहीं से भाग आया और अपनी माँ को बताया। जब माँ वहाँ गई तो पहलवान ने काली गलौज की तो बच्चे की माँ ने पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 3 आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। तो हम सीधे रोते भैया चले गए सीधे चौकी पर। अच्छा, चौकी पर गए तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? तो भाई अपन जाते हैं यानी तुम लोगों का चालान हो गया है ना? पता नहीं, चलिए ठीक है। इलाहाबाद में बंसल के सरेआम चैम्बर में घुसकर हत्या को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन दिए कि मारने वाले का जल्दी पुलिस गिरफ्तारी करे, जिसमें नगर निगम जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ और बहुत कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे राज्य में पूरी तरह से कुशासन और जंगल राज हो गया है, जहां किसी का कोई भय नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि जो कल्पित है तुरंत अरेस्ट किया जाए और आम जनता के सुरक्षा के लिए, आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम लिए जाए ताकि लोगों में जो भय व्याप्त है दूर। ब्लास्ट बैटरी से हादसा, बाल बाल टली। औरंगाबाद के रफीगंज ग्रीन पार्क विजय स्टूडियो में हुआ इन्वर्टर से लगे बैटरी फटने की घटना। रफीगंज में मेन रोड पर सूर्य के मंदिर सामने रफीगंज टाउन का सबसे पुराना विजय स्टूडियो में कल शाम 7:30 बजे अचानक जोरों की आवाज के साथ ब्लास्ट किया। आवाज इतना जोरदार था कि लोगों की भीड़ का तांता लग गया। यहाँ हम काउंटर पे बैठे हुए थे, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, उसी अंतराल पे अचानक आवाज हुई। जो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थे, 5 फीट के अंतराल में मौजूद थे, इसीलिए हादसे से बहुत बच गए।